सिरसापना से नहर का जल स्तर कम हो जाने के बाद नहर का स्थितिग्रस्त रूप लोगों के सामने आया। कहा, कुछ महीनों पहले ही ठेकेदार व विभाग द्वारा करवाई गई थी नहर की मरम्मत, तो अब इस प्रकार क्यों टूटी हुई है यह नहर। बुधवार को उचानक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे कुलदीप सिंह बिश्नोई। कहा, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, इसी उत्साह के साथ भविष्य में आगे बढ़ेगी पार्टी। उन्होंने कहा, पिछले दिनों कोरोना काल के चलते कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए थे, इसी के चलते उत्सुकता को दूर करने के लिए आज बुधवार को कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचे। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भी उनके समर्थक उनके साथ रहे और कहा कि आने वाले समय में कुलदीप सिंह बिश्नोई को एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। बुधवार को बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़। धरनारत किसानों से कहा कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, अनुशासन के साथ अपना आंदोलन व धरने चलाते रहे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा, सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के सभी तरकीब अपना चुकी है, लेकिन सभी में विफल रही, इसलिए अब बारी किसानों की है। और अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब केंद्र की सरकार मजबूर होकर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करेगी और देश का अन्नदाता पूरे सम्मान के साथ अपना आंदोलन समाप्त करके वापस अपने घरों को लौटेगा। नरवाना क्षेत्र के डिपू होल्डरों ने नरवाना क्षेत्र के गांव भाणा ब्राह्मण से 150 गेहूं के बैगों से भरा ट्रक पकड़ा। आरोप लगाए कि ठेकेदार द्वारा चोरी करके लाया गया था यह गेहूं। सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी भी नरवाना पहुंचे। डिपू होल्डरों ने गेहूं से भरे ट्रक को सदर थाना में पहुंचाया। सदर थाना प्रभारी ने दी जानकारी में बताया कि अधिकारियों ने अभी तक नहीं दी कोई शिकायत। शिकायत के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाएगी पुलिस। सीआईए स्टाफ नरवाना ने कालवन गांव के एक युवक को 1 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कालवन गांव की तरफ से नरवाना की तरफ आ रहा है एक युवक। तलाशी की तो राकेश के पास 1 किलोग्राम अफीम मिली। पिछले दिनों बरसात के कारण बर्बाद हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी को लेकर बुधवार को नरवाना क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर नरवाना के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि पिछले दिनों हुई बरसात के बाद कुछ किसानों के खेतों में तो एक भी दाना सुरक्षित नहीं बचा है, जिसे सरकार व प्रशासन अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक स्पेशल गिरदावरी की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों को एकत्रित होना पड़ा और आज यहां प्रदर्शन स्वरूप करते हुए यह मांग की गई कि जल्द अगर स्पेशल गिरदावरी की कार्यवाही प्रशासन शुरू नहीं करता है तो इसके बाद अब क्षेत्र के किसान एकत्रित होकर बड़ा फैसला लेंगे और सड़कों पर बैठकर खराब हुई अपनी फसलों की बर्बादी को लेकर स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग उठाई जाएगी, ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके और अगली फसलों की तैयारी की जा सके। खट्टर टोल प्लाजा पर उचानक क्षेत्र के किसान मजदूरों का धरना लगातार जारी। बुधवार को धरने में उपस्थित किसानों ने कहा, हम लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, अनुशासन के माध्यम से जीता जाएगा किसान आंदोलन, 3 नए कृषि कानून भी होंगे रद्द। सदर पुलिस नरवाना ने सुदकन कला गांव के एक युवक को 110 लीटर लाहन के साथ किया गिरफ्तार। बुधवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर गांव में मारी गई थी रेड। राजेश नाम के युवक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज। उझाना गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती लापता। पुलिस ने गुमसूदगी का केस दर्ज कर तलाश का कार्य किया शुरू। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से लापता हुई थी युवती।